Look this, oh my god, channel, gir gaya yaar. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Poonam Kashyap Lifestyle. तो आज आप तो मैं शेयर करने वाली हूँ फेस्टिव सीजन ग्लो अप एट होम. और ये ग्लो अप हम बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट का यूज करके करने वाले, बट क्योंकि इन प्रोडक्ट का यूज करके हम अपना अच्छा सा क्लीन अप करेंगे. और ये रेगुलर प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं है, फेशियल किट नहीं है ये. तो आज मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो ये है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने क्लीनअप में. और ये क्लीनअप ऐसा होता है जो आप इजीली कर सकते हो और इसमें ज़्यादा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ये टीनेजर गर्ल्स और 20+ से 25 हर एज के लोग कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फेस्टिव सीजन के लिए रेडी होने के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्ट. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी होगा उसको भी हिट कर देना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे नए नए वीडियोस का. और अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस टाइप के वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाती हूँ स्किन केयर, मेकअप और रिव्यूज़. जी हाँ, तो अगर आपको किसी भी तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो कमेंट डाउन करना मत भूलना. मैं स्पेशली वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी, बट कुछ टाइम हो सकता है लाऊंगी ज़रूर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रहे वो प्रोडक्ट जिनसे मैं क्लीन अप करने वाली हूँ. ये वन ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है और जो मेरा फेस है वो बिल्कुल अभी कोई मेकअप नहीं, कोई स्किन केयर नहीं और ना ही मेरा कोई फेस वॉश किया है. जैसा है फेस में वैसे ही बैठ गई इंट्रो में भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं बता दूं कि मैं जो वीकली स्किन केयर करती हूँ ना वो मैंने नहीं किया, इस बार स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे नोज़ के अराउंड आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, वैसे विजुअल हैं, अगर मैं कोई मेकअप या स्किन केयर के प्रोडक्ट भी लगाऊंगी ना तो बहुत ख़राब लगेगा फेस, क्योंकि यहाँ पर वाइट हैंड्स हो चुके हैं मेरे वाइट हैंड्स प्रॉब्लम है. मुझे वाइट हैंड्स हो जाते हैं नोज़ के अराउंड और ये बहुत ख़राब लगते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लीन अप ग्लो अप. तो सबसे पहले हम करेंगे फेस वॉश और मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैंने न्यू फेस वॉश लिया है और ये है डॉट एंड की का कामिंग ब्लेमिशेस क्लियर जेल फेस वॉश. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओह माय गॉड, लुक दिस, ओह माय गॉड, चैनल गिर गया, माय गॉड, बहुत सॉफ्ट है यार, मतलब हद से ज़्यादा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश करना. आप अच्छे से फेस वॉश कर लो. तो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ. फेस वॉश इज सो गुड, मतलब तो हमारा फेस वॉश हो गया. हमारा फर्स्ट स्टेप फेस वॉश करना ही होता है. आप अच्छे से फेस वॉश कर लो और जितना भी डर्ट एंड पोल्यूशन होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा. हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे फेस स्क्रब. और ये फेस स्क्रब मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ. लुक लाइक दिस, देखो कितना पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ. और ये फेस वॉश है लवे एडवांस का एक्टिवेट चारकोल फेस स्क्रब और ये मेरा फेवरेट स्क्रब है. मुझे लग रहा है कि मुझे इसको ऑर्डर करना पड़ेगा. फुल हल्के पार्टिकल्स है इस तरह से, देख लो. स्टेप में यूज़ करेंगे स्क्रब, उसके साथ थोड़ा सा वाटर भी ले लो. अब हम स्क्रब करेंगे और स्क्रब आपको बहुत टाइम तक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, नो बिग नो, ओके नेवर, कभी मत करना आप स्क्रब को बहुत टाइम तक, मतलब दो दो मिनट, 3 मिनट, नहीं भाई 5 मिनट. मैंने वीडियोस देखे हैं, लोगों ने बोला स्क्रब कैसे कर रहा है, आज हम बताते हैं आपको. वो भी सिर्फ 5 मिनट स्क्रब करना है भाई. क्यों 5 मिनट? आप 2 मिनट स्क्रब नहीं कर सकते. और मैं 2 मिनट कभी नहीं करती हूँ, 1 मिनट नहीं करती हूँ यार, बिल्कुल नहीं. इतना भी मेरा आप फेस आप कर रहे हो, स्क्रब बहुत माइल्ड है आप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि 5-5 मिनट 2-2 मिनट स्क्रब करो और फेस को रगड़ते रहो. नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं देना आपको. आपके हार्ट अगर आपकी स्किन ड्राई सेंसिटिव है स्केच बढ़ जाने हैं आपको. वाइट हैंड से तो रगड़ देना, नहीं रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से स्क्रब करने से ना आपकी डेड स्किन निकल जाती है, आपका स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है अंदर से. जो पोर्स में गंदगी भरी होती है आपकी स्किन बहुत क्लीन हो जाती है. अभी देखना आप बिल्कुल क्लीन हो जाएगी स्किन. और जो भी गंदगी होती है ना वो बहुत
अच्छे से निकल जाती है। फेस वॉश करके आती हूँ, ठीक है। वाइट एंड रिमूव हो चुके हैं और फेस पे जो रेडनेस है वो इग्नोर करना, क्योंकि नोज पे जो रेडनेस है क्योंकि वो अभी रहेगी। तो थर्ड स्टेप में मैं यूज़ करूँगी फेस मास्क, फेशियल फेस मास्क, और ये पिलग्रिम का 24 कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क है। और ये बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, इतना ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है ना कि हर कोई मेरे फीट पे दे दना दन दिख रहा था। वही फेस पे अप्लाई कर लेते हैं फेस पैक। तो मेरे पास कोई ब्रश नहीं है तो मैं इससे यूज़ कर लेती हूँ। बट इससे मैं नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ तो मैं फिंगर का यूज करूँगी। इससे कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे, तो आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हो भाई। हाथ किस लिए दिए गए हैं? इसीलिए दिए गए अपने हाथों से अच्छे से फेस को क्लीन अप करो, फेस स्क्रब करो, खाना भी खाओ। कट पे लग गया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करो ना, फेस टेस्ट ज़रूर कर लेना यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कर लो, ठीक है, कर लेना, जिससे कि ये आपको श्योर हो गए कि आपको जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना आपको हार्म नहीं करेगा आपकी स्किन को। क्योंकि एक बार अगर स्किन ख़राब हो गई उसे ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी यूज़ करो, कैसा भी प्रोडक्ट, स्किन को अच्छे से देख लो, पढ़ लो, फिर यूज़ करना। ऐसे नहीं कुछ भी किसी ने भी बोला और उठा के यूज़ कर लिया। नहीं भाई, ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन है। मैं इसको 30 मिनट अपने फेस पर रखूँगी एंड देन ड्राई होने के बाद फेस वॉश करूँगी। तब तक के लिए वेट करो। 2000 years later. तो फेस पैक लगाए ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं, तो फटाफट से हम फेस वॉश करके आते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, मतलब ऐसा कुछ ब्राइटनिंग वाला या फिर कुछ तो लगाया है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई फेस गोरा हो गया, गोरा नहीं होता है। जब आपकी स्किन, अभी फेस जब मेरे स्टार्टिंग में था तो बहुत ज़्यादा डल था, ऑयली था, चिपचिप था, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे वाइटन्स भी थे, ठीक है। फेस वॉश मैंने किया नहीं था, ऑयली था, चिपचिप था, डल सा था। बट अभी देख लो फोर्थ स्टेप जो कि है हमारा ये फेस सीरम, ये पिलग्रिम का है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। और सच बताऊं तो इसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे कि गोल्ड के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, हाँ विजिबल हो रहे होंगे। तो उसमें दिखते हैं कि हाँ भाई इसमें पार्टिकल्स हैं। तो अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। अभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अब जो मैंने वेस्ट किया जो लगाना ही पड़ेगा, मतलब मैंने ड्रॉपर से निकाल लिया, गोल्ड पार्टिकल्स जैसे हैं, सिमरी से गोल्डन पार्टिकल्स हैं। बट सच बताओ इसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं क्या? मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब गोल्डन ग्लो देता है बट मतलब ये नहीं कि रियल वाला गोल्ड होगा, है ना। बट इस सीरम के अंदर ना एक अच्छी खपात ये है कि इसके अंदर आपको मिल जाता है नियामासाइड, हेलोरोनिक एसिड, और ये फैगनेस फ्री है और ये ऑल स्किन टाइप है। सीरम इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट सीरम इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू में यूज़ करो। आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल नेचुरल अच्छी है, तो आप कोई सीरम मत यूज़ करो, ओके। तो सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, नया भी डोटन घी का मॉइस्चराइजर लिया है, अभी मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा। इतने कम स्टेप के साथ भी आप अपना अच्छा सा ट्रीटमेंट ले सकते हो, आपकी स्किन हाइड्रेट, ग्लोइंग, और जो भी अनइवन स्किन है ना आपकी, जैसे कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं अब सनस्क्रीन लगाऊंगी। और माय गॉड, ये मेरा नया सनस्क्रीन है, न्यू बेबी, ओह गॉड, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तो ये है मेरा सनस्क्रीन, ये है ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज SPF 50, और ये है डॉटन जी का। वैसे
जो कि मैंने नया लिया है और ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट फर्स्ट टाइम. ओके, तो दो फिंगर. ओह माय गॉड, तो सनस्क्रीन सच बताऊं मुझे, मैंने एक ही यूज किया है और एक वीडियो मैंने डाल दिया है स्किन केयर का, उसमें मैंने बताया है, आपके जाके देखना जरूर, वो आ चुका है पहले ही. तो मैंने लगाई सनस्क्रीन, ओह माय गॉड इतनी जल्दी. जो हमारा क्लीनअप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. ये जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं ये आपको फॉलो कर लेना. अगर आप दिन में कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन लगा लो, नहीं कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर लगा लो, देन हो गया आपका. और उसके बाद मैं अपने थोड़ा सा लिप्स को भी हाइड्रेट कर लूँ. तो लिप बम नहीं लगा रही हूँ, मैं लिप ग्लॉस लगा ले रही हूँ जो कि इनसाइड का है. मेरा क्लीन अप इज डन और मैं फेस्टिव सीजन के लिए रेडी हूँ. आप मुझे किसी भी फंक्शन में जाना हो तो मैं जा सकती हूँ, इसी पे मैं मेकअप करूँ एंड देन मेरा मेकअप भी बहुत लंबे समय तक टिकेगा. तो मेरी स्किन बहुत डल थी पहले, इस तरह से आप देखो एंड देन आप देखो. तो आई होप आपको मेरा ये क्लीन अप अच्छा लगा है. अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. और मुझे बता के जाना कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बता के जाओ. ठीक है, बाय बाय.